नमस्कार, मैं विजयानंद विजय, जन सरोकार मंच टोंक राजस्थान का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी कुछ लघु कथाएं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी पहली लघु कथा है संकट। बड़े ऊंचे आसन पर बैठी हो, आज तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? ऊंचे तने पर बैठी उसी बिल्ली ने टॉमी से पूछा। क्यों, डर क्यों लगेगा भला? उसी ने पूरी हिम्मत से जवाब दिया। टॉमी कुछ सोचने लगा, फिर पूछा, तुम इस जंगल में अकेली कैसे? तुम्हारी मां कहां है? वह अपने भाई भतीजों से मिलने गई है, बहुत दिनों से कह रही थी कि चलो उनसे मिलकर आते हैं। जंगल कट रहे हैं ना, पता नहीं फिर शायद मिलें ना मिलें। उसी ने टॉमी की आंखों में आंखें डालते हुए मन की बात बताई। उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी आंखें मीचते हुए टॉमी ने चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया ताकि उसकी आंखों का गीलापन पूसी देख न पाए। आज तो तुम भी बड़े शांत हो, पहले तो हमें देखते ही पकड़ने को दौड़ पड़ते थे, आज इतने संजीदा क्यों हो? क्या बात है भाई? पूसी ने टॉमी से पूछा। नहीं नहीं, वो बात यह है कि मैं सोच रहा था कि क्यों, कब तक और किस लिए एक दूसरे पर हमला कर हम अपना ही वजूद खतरे में डालते रहेंगे। इन मनुष्यों को तो तुम देख ही रही हो कि कैसे वे मानसिक, शारीरिक और वाचिक हिंसा कर अपनी ही पहचान मिटाने पर तुले हुए हैं। टॉमी ने अपनी चिंता जाहिर की। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। पूसी ने भी उसकी बातों से सहमति जताते हुए पूछा, तब क्या किया जाए? यह संकट तो हम पर भी भारी पड़ने वाला है। टॉमी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, देखो मैं चाहता तो बड़ी आसानी से तुम्हें अपना ग्रास बना सकता था, मगर नहीं। आखिर तुम भी तो इसी खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हो, तुम्हारी प्रजाति का अस्तित्व बचाने के लिए यह जरूरी है कि मैं अपनी नियत बदलूं। टॉमी ने पूसी को समझाने का प्रयास किया। पूसी को टॉमी की बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी, तभी उसे मनुष्य की याद आ गई। लेकिन मनुष्य तो पूसी चिंतित हो गई, मनुष्य, वे तो इस धरती के सबसे बेवकूफ जीव हैं। टॉमी ने दांत पीसते हुए कहा, पता नहीं अब आगे क्या होगा हमारा तुम्हारा और इस प्रकृति का, इस सृष्टि का। आसन्न संकट की कल्पना से अचानक दोनों शांत हो गए। जंगल का वीराना अब उन्हें बुरी तरह डराने लगा। दूसरी लघु कथा है सूखी रोटियां। गठरी मोटरी उतार कर वे लोग चबूतरे पर बैठ गए। छोटा सा मंदिर, बगल में आम का पेड़ और चापाकल, इससे महफूज जगह उन्हें रुकने के लिए नहीं मिल सकती थी। इस अनजान जगह पर दिन भर चलने के बाद पांव जब थकने लगे तो उन्होंने यहां रुकने का फैसला कर लिया था। अंधेरे में सड़क पर चलने पर गाड़ियों से कुचले जाने का भी डर था। कुल 10 जने थे वे, औरत, बड़े, बूढ़े, बच्चे सब मिलाकर। किस विपदा यात्रा में कैसे वे एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। रामदीन बाबा, सुखिया चाचा, कलावती चाची, फुलेश्री फुआ, रजिया आपा, मनोहर भैया,
विशाल भैया, दीनू भैया, रमुआ चाचा, अशरफ भाई, मुश्ताक भाई, सब एक ही तो परिवार बन चुके थे। एक साल का मनुआ और दो साल की नीलू की तो पारी बंध गई थी रास्ते भर सबकी गोद में जाने की। अशरफ ने अपने मोबाइल के टॉर्च से रोशनी की तो सबने रोटी, प्याज, मिर्च, नमक, मूली, सत्तू, अचार, चने, जो कुछ भी था निकाला और सबने एक साथ मिलकर प्रेम से खाया। आधी थकान तो वैसे ही मिट गई। चबूतरे पर चादर, गमछा, बेडशीट बिछाकर सभी सोने ही जा रहे थे कि कुछ कदमों की आहट से वे चौंक गए। मुश्ताक ने मोबाइल की रोशनी में देखा और सभी डर गए। चार पांच हट्टे कट्ठे युवक हाथों में लाठी लिए गमछे से मुंह ढके सामने खड़े थे। उनमें से एक की कड़क आवाज गूंजी, जो भी पैसा कौड़ी और सामान है चुपचाप बाहर निकालो, अगर हल्ला किया तो गोली मार देंगे, जल्दी करो जल्दी, दूसरे ने पिस्तौल दिखाते हुए कहा। जिसके पास जो कुछ भी था सब निकालकर उनके सामने रखने लगा। लुटेरों ने टॉर्च की रोशनी में देखा, कुछ प्याज, मिर्च, अचार के टुकड़े, नमक की डिबिया, खाली बर्तन, कुछ सिक्के, तुड़े मुड़े नोट और सूखी हुई रोटियां। टॉर्च बुझ गई, लुटेरों के हाथ रुक गए, उनके चेहरों से गमछे हट गए और आंखों में पश्चाताप के आंसू छलछला आए। वे ग्लानी से भर उठे, उन्होंने अपने कदम मोड़ लिए, कुछ दूर जाकर फिर वे वापस लौटे, उनके पास आए, एक पोटली छुटके मनुआ की गोद में रखकर उन सबकी ओर देखा, फिर वे मुड़े और अंधेरे में ओझल हो गए। उनके जाने के बाद रामदीन बाबा ने जब पोटली खोली तो सबकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। पोटली में 100, 200, 500 के दसियों नोट थे। उन नोटों में इंसानों के चेहरे उभर आए थे। भरे हृदय से अब उन लुटेरों के लिए कोई अल्लाह से दुआएं कर रहा था तो कोई हाथ जोड़कर भगवान से उनके लिए आशीर्वाद मांग रहा था। खुलती गांठें, मेरी एक लघु कथा है। पापा पापा देखो ना स्वीटी को क्या हो गया है। 4 वर्षीय बेटी घबरा कर दौड़ती हुई उसके पास आई और हाथ पकड़कर उसे गार्डन की ओर ले जाने लगी, गुड़हल के उस पेड़ के पास जहां स्वीटी अक्सर रहा करती थी अपने चारों बच्चों के साथ। पापा देखो स्वीटी कैसे सो गई है, उठी नहीं रही, कहते हुए बेटी सुबकने लगी। उसने पास बैठकर धीरे से बिल्ली को सहलाया, मगर आह, ओ माय गॉड, ये तो शब्द जैसे उसके मुंह से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, मगर बेटी शायद समझ गई थी। मम्मी, बेटी जोर से चिल्लाई और पापा से चिपट गई। बेटी का करुण क्रंदन उसके अंतर्मन को बेध गया। रोते रोते बेटी ने पूछा, पापा स्वीटी के बच्चे मम्मी के बिना अब कैसे रहेंगे, इनके तो पापा भी नहीं है। अनुभूति और दर्द से उपजे बेटी के इस सहज स्वाभाविक प्रश्न ने उसके वजूद तक को झकझोर दिया था। लगा जैसे अंदर कुछ छनाक से टूटकर बिखर गया हो,
मगर खुद को संभालते हुए उसने कहा, नहीं बेटा हम हैं ना, और प्यार से उसे गोद में उठा लिया। हम हैं ना, कितनी आसानी से बेटी को कह दिया था उसने, मगर उसे पता था कि वह झूठ बोल रहा है। श्वेता के मम्मी पापा इसी शहर में रहते थे। ऑफिस से लौटते वक्त अक्सर वो उनके पास चली जाया करती थी, कभी कभी तो वहीं रुक भी जाती थी, बस फोन पर उसे सॉरी कह देती। उस दिन बस इतना ही तो कहा था उसने श्वेता से कि माँ बाबूजी और अपनी बेटी के प्रति भी उसके कुछ दायित्व तो हैं, उसे इस बारे में भी सोचना चाहिए। बस इतनी सी बात पर वह सब कुछ छोड़कर अपने मम्मी पापा के पास चली गई थी। कई बार उसने फोन किया मगर श्वेता ने उठाया ही नहीं। मगर इसमें गलती श्वेता की भी नहीं थी। उसका छोटा भाई राकेश जब अमेरिका जाकर बस गया तो बूढ़े मम्मी पापा की देखरेख करने वाला श्वेता के सिवा था भी कौन। आखिर वह भी अपने मम्मी और पापा की देखरेख तो कर ही रहा है ना। अगर श्वेता भी यही कर रही है तो इसमें गलत क्या है? गलती दरअसल उसी की है, उसे ही श्वेता से माफी मांग लेनी चाहिए। सोचते सोचते बेटी को गोद में लेकर वह मुड़ा और उसकी पनीली आंखों में उतरते हुए कहा, मम्मा को लाने चलें? हां पापा, बेटी ने चहकते हुए कहा और पापा से लिपटकर उसके गाल पर एक मीठा सा पुच्चू दे दिया और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट से जैसे सारा जहां मुस्कुरा उठा था। उनकी कार अब श्वेता के घर की ओर जा रही थी। उसके मन पर पड़ा बोझ अब उतर चुका था। अगली लघु कथा है अनकही कहानी। मैं यहां हॉस्पिटल में कैसे आया, मुझे क्या हुआ था? अपने पास बैठे दोस्त अवि को झकझोरते हुए उसने पूछा। बस तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, चक्कर आ गया था तुम्हें और तुम बेहोश होकर गिर गए थे, पर कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, अवि ने उसे बताया। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं यार, कुछ भी तो नहीं, उसकी ओर देखते हुए अवि ने कहा। मगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहां बहुत दिनों से हूं, अपने अगल बगल देखते हुए उसने अवि से पूछा। देख, मैं तेरे साथ हूं ना, ये टॉमी है ना, तू बस इतने से मतलब रख, उसके कंधे थपथपाते हुए अवि ने कहा। मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं यार, तू तो मेरे बचपन का दोस्त है अवि, मगर मेरे घर वाले, बेटा बहू, वे सब कहां गए? यह प्रश्न कब से उसके दुल्हन दिमाग को मथे हुए था। वे सभी आए और चले भी गए। चले गए? लेकिन क्यों? कब आए और कब चले गए? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तुमसे मिलकर और तुम्हारी हालत देखकर सभी चले गए मेरे दोस्त। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से सहलाते हुए अवि ने कहा। उसका भी जी भर आया था। व्हाट? यस, तुम्हें याद है उस दिन 1 जनवरी को मसानजोर डैम पर हमारा पिकनिक का प्रोग्राम था और मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहा था, अवि ने उसे टटोलने की कोशिश की। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। ठीक 10 बजे मैं घर से निकला था अपनी बाइक से, उसने अवि की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। एग्जैक्टली, मगर तुम वहां पहुंचे ही नहीं थे। अवि की आवाज जैसे सन्नाटे में गूंजी। व्हाट? मैं पहुंचा ही नहीं था? क्यों? कैसे?
एक ही साथ कई प्रश्न पूछ दिए थे उसने। हाँ, तुम पहुंचे ही नहीं थे वहां पर, अभी बताने लगा। हाईवे पर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, धड़कते दिल से अवि ने बताया और उसके चेहरे पर आने जाने वाले भावों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। एक्सीडेंट? मतलब एक साल से मैं यहां इस हॉस्पिटल में? उसके मन में उथल पुथल मच गई थी। हाँ मेरे दोस्त, एक्सीडेंट के बाद तुम एक साल से कोमा में थे, तुम्हारे अंग प्रत्यंगों ने काम करना बंद कर दिया था। कुछ दिनों तक तो तुम्हारे बेटा और बहू आते रहे, फिर वे भी निराश होकर तुम्हें हॉस्पिटल के हवाले छोड़कर अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। अवि ने सारा सच उसके सामने रख दिया था। ओ माय गॉड, उसकी आंखों से अश्रुधार बह चली। तुम तब से इसी कमरे में इन मशीनों के सहारे थे, सबने उम्मीद छोड़ दी थी, मगर ये टॉमी कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता था, हमेशा तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे सीने से लिपटा रहा, यही तुम्हें मौत के दरवाजे से वापस खींच लाया है। दरवाजे के पास बैठे पालतू कुत्ते टॉमी की ओर इशारा करते हुए अवि ने कहा। सचमुच यही वो फरिश्ता था जो लगातार मेरे कान में फुसफुसाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। स्मृतियां उसके अवचेतन से निकलकर चेतन में आने लगी थी। अश्रुपूरित आंखों से उसने टॉमी की ओर देखा और अपनी बाहें फैला दी। कू 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 करता हुआ टॉमी आकर उसके सीने से लिपट गया। उसने टॉमी को जोर से भींच लिया। टॉमी के आंसुओं से उसकी हथेली गीली हो गई। इंसान और बेजुबान के निस्वार्थ प्रेम का समंदर उमड़ पड़ा था। स्वार्थ में डूबे निष्ठाओं और छिजती संवेदनाओं से भरी दुनिया में समय की कठोर शिला पर निश्चल प्रेम, अटूट विश्वास और समर्पण की अनकही कहानी लिखी जा चुकी थी। अगली लघु कथा है प्यासी नदी। इस बार बरसात जमकर हुई थी। जल से लबालब भरी हुई नदी ऊंचे पहाड़ी ढलानों से उतरकर खुशी से इठलाती इतराती गाती गुनगुनाती अपनी मदमस्त चाल में नीचे की ओर चली जा रही थी। रास्ते में पड़े विशाल अविचल चट्टानों और छोटे बड़े पत्थरों ने पूछा, आज बड़ी खुश जान पड़ती हो बहन, कहां जा रही हो हमें छोड़कर? प्रिय भाइयों, मैं नीचे धरती पर जा रही हूं, वहां मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, उन्हें मेरी जरूरत है, और मेरे ढेर सारे बंधु बांधव भी हैं वहां पर, सोचती हूं उनसे मिलाऊं, नदी ने हर्षित हो लहराते हुए कहा। जरूर जाओ बहन, अपनों से मिलकर आओ, मगर बुरा मत मानना बहना, हमें नहीं लगता कि धरती वालों को अब तुम्हारी जरूरत भी है, मगर हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं भला, चट्टानों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग गलत सोच रहे हो, उन्हें वाकई मेरी जरूरत है, मुझे जाना ही होगा, कहते हुए नदी आगे बढ़ गई। शुभ विदा बहन, पत्थरों चट्टानों ने जोर से कहा और नदी अपने प्रबल वेग से पहाड़ों से नीचे उतर गई। धरती पर आकर नदी का वेग कम हुआ तो वह थोड़ी स्थिर हो गई। जल का था भंडार लिए धीरे धीरे बहते हुए उसने शहर में प्रवेश किया और तटों को छूते हुए चल पड़ी। बेसब्र निगाहें वह दोनों तटों की ओर दौड़ाते हुए कुछ खोज रही थी, मगर जब उसे नजर नहीं आया तो नदी बेचैन हो गई। अरे यह क्या, कहां गए हमारे सभी भाई बंधु? वे बड़े बड़े पेड़, जंगल, जीव जंतु, यहां तो चारों ओर सिर्फ धूल धुआं और शोरगुल है, गगनचुंबी मारते हैं,
नदी ने रुवासी होकर तटों से पूछा, तुमने तो देखा होगा भाइयों, ये जंगल पेड़ पौधे कहाँ गए, और हमारे भाई शेर बाघ चीता हाथी हिरण आदि भी नजर नहीं आ रहे हैं। नदी बहन, सुना है कि विकास और शहरीकरण की आंधी ने जंगलों और पेड़ पौधों को उजाड़ दिया है। जंगली जीव या तो शिकार बन गए या फिर उन्हें शहरों के चिड़ियाघरों की चहरदीवारी में कैद कर लिया गया है। पक्षियों के घोंसले तक नष्ट हो गए हैं। अब यहां बस ये कंक्रीट के जंगल दिखाई दे रहे हैं, तटों ने बेबस स्वर में बताया। उफ, नदी ने अपना सिर पीट लिया और उदास हो गई। जिन्हें सींच कर वह जीवन देने आई थी, वे ही अपनी जड़ों से उजड़ चुके थे। जिनसे गले मिलकर वह अपना सुख दुख बांटने आई थी, वही वहां नहीं थे। उसका दिल बैठ गया। नदी थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो हवा के साथ बदबू और तेज दुर्गंध का भभका उसके नथुनों में समा गया। लगा जैसे सांस ही बंद हो जाएगी। वह बुरी तरह खांसने लगी। आंखें मिचमिचाते हुए उसने अगल बगल देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। शहर से कई बड़े बड़े नाले तटों की ओर खुल रहे थे और उनसे काला गाढ़ा सा कुछ बहकर उसके पानी में मिल रहा था। बदबू भी वहीं से आ रही थी। उसने देखा पास के पानी में तैरती मछलियां छटपटाने लगी थी और किनारे से दूर भागने लगी थी। नदी गुस्से से भर उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शहर वालों की ओर हिकारत भरी नजरों से देखा और कहा, अब इसका अंजाम तुम लोग भुगतोगे। किसी तरह नदी ने अपने हृदय के उद्वेग को शांत किया और अपने विस्तृत फैले हुए आंचल को समेटकर अपनी कमर में खोंस लिया और सिमट गई, और फिर शहरों और तटों को छोड़ते हुए एक पतली सी धारा बनकर वह सागर से मिलने चल पड़ी। पीछे से शहर वालों के पुकारने की आवाजें आ रही थी, माँ रुक जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। मगर नदी न तो रुकी न ही उसने पीछे मुड़कर देखा। बस इतना ही कहा, अब मैं तभी आऊंगी जब तुम मुझे हरियाली दोगे। और आंखों में नीर भरे नदी मानव सभ्यता से दूर बहती चली गई।